दोस्तों, अगर आप दुनिया की अद्भुत चीजें देखना चाहते हैं तो उससे आप माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी अद्भुत चीजें हैं जिन्हें आप और हम अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख पाते। एक माइक्रोस्कोप ही है जो आपकी दुनिया की सबसे बेहतरीन चीजें दिखाने की क्षमता रखता है। जैसे इंजेक्शन लगवाने या फिर मच्छर के काटने के बाद उस काटी हुई जगह का सरफेस किस तरह से नजर आता होगा। और क्या आप जानते हैं कि चींटियां माइक्रोस्कोप में देखने पर किसी राक्षस से कम नहीं लगती, और आपको बताएंगे कि ह्यूमन स्पर्म माइक्रोस्कोप से देखने पर कैसा दिखता है। आज देखेंगे इन सभी बेहतरीन चीजों को माइक्रोस्कोप की मदद से। लेकिन ये जानने से पहले दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही चीजों को माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे जिसे देखकर आपके होश उड़ने वाले हैं। नंबर एक, सबसे पहले हम देखेंगे कि माइक्रोस्कोप से देखने पर मधुमक्खी का डंक कैसा दिखेगा। मधुमक्खी एक ऐसा कीट है जो अगर किसी को काट ले तो घंटों तक उसका दर्द नहीं जाता। मधुमक्खी अपने बचाव के लिए दूसरे जीवों को डंक मारती है, लेकिन जब मधुमक्खी का ये डंक को हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये छोटा सा डंक असल में एक धारदार हथियार की तरह दिखता है। यही वजह है कि जब मधुमक्खी किसी को डंक मारती है तो उसे बहुत दर्द होता है। नंबर दो, इंसान की जीभ देखने में वैसे तो काफी स्मूथ नजर आती है और यही जीभ आपको खाने का टेस्ट भी बताती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये जीभ माइक्रोस्कोप में देखने पर कैसी दिखेगी? चलिए आज हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों, जब आप माइक्रोस्कोप में जीभ को देखेंगे तो आपको उसके ऊपर उठे हुए कांटे नजर आएंगे। यह उठे हुए कांटे जैसी चीज आपके टेस्ट बड्स होते हैं और यही स्ट्रक्चर आपको टंग पिंस को बनाते हैं, जो हर इंसान के अलग अलग होते हैं। नंबर तीन, जमीन पर रेंगने वाली छोटी सी चींटी को भले ही आप आते जाते हुए गलती से दबा देते होंगे, लेकिन अगर आप इस जीव को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो शायद आप भी डर जाएंगे। माइक्रोस्कोप से देखने पर चींटी का छोटा सा मुंह बहुत ही विशाल और डरावना दिखता है, जिसमें उसकी गोल गोल आंखें साफ साफ दिखाई देती है। नंबर चार, इंजेक्शन की सुई कितनी भी छोटी क्यों ना हो, फिर भी उसे लगवाने से सभी को डर लगता है। और क्या आप जानते हैं, सुई लगवाने के बाद जहां सुई लगी होती है उस जगह को देखा है? असल में सुई माइक्रोस्कोप में देखने पर बहुत बड़ी नजर आती है, जिसके एंड पर एक होल होता है जिसके द्वारा ही बॉडी के अंदर दवाई पहुँचती है। लेकिन सुई लगाने के बाद कोई घाव तो नहीं दिखता हमें, लेकिन जब आप उस जगह को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो सुई लगी हुई जगह पर आपको कुछ इस तरह का बड़ा होल दिखाई देगा, जो वाकई में आपको हैरान कर देगा। नंबर पाँच, यह तो बहुत से लोगों को पता है कि दही में लैक्टोबैक्टीरियस नाम का बैक्टीरिया होता है, लेकिन उस बैक्टीरिया को हम में से अधिकतर लोगों ने नहीं देखा होता। लैक्टोबैक्टीरियस बैक्टीरिया को आप सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। दही के अंदर कुछ इस तरह के मूविंग बैक्टीरिया होते हैं। अलग अलग रेजोल्यूशन के माइक्रोस्कोप में उस बैक्टीरिया की अलग अलग इमेजेस दिखती हैं, जिससे आप बैक्टीरिया को अलग अलग रेजोल्यूशन में देख सकते हैं। तो ऐसे अगर आपको ये बैक्टीरिया नॉर्मल दिखाई दे देते हैं तो शायद ही आप दही इतने मजे से खा पाते। नंबर सिक्स, माइक्रोस्कोप से देखने पर घास कैसा दिखता होगा? अगर आप माइक्रोस्कोप से हरी भरी घास को देखते हैं तो उसकी आकृति आपको कुछ इस तरह की दिखाई देगी। माइक्रोस्कोप से देखने पर घास का अनोखा और हसमुख रूप देखने को मिलता है, जो किसी उदास और रोते हुए इंसान का मूड भी फ्रेश कर सकता है। नंबर सात, दोस्तों, CFL बल्ब आने से पहले यह पुराने येलो लाइट वाले बल्ब आते थे। आपको इन बल्ब का स्ट्रक्चर तो अच्छे से याद ही होगा। क्या आप जानते हैं कि माइक्रोस्कोप में इस ऑर्डिनरी से बल्ब को देखने पर किसी सिटी की बिल्डिंग जैसी दिखती है? माइक्रोस्कोप में देखने पर इस बल्ब का ग्लास दो बिल्डिंग की स्ट्रक्चर की तरह लगता है, जिसमें ऊपर लगे स्प्रिंग मानो एक एस्केलेटर हो, जो दोनों बिल्डिंग को जोड़ने के लिए बनी हुई है। नंबर आठ, क्या आपने ह्यूमन स्पर्म की माइक्रोस्कोपिक पिक्चर देखी है? इस पिक्चर में ये जो कुछ आपको छोटी छोटी मछलियों की तरह दिखाई दे रहा है, यह असल में मेल स्पर्म होते हैं, जिनके अंदर दूसरी लाइफ की क्षमता होती है। यह स्पर्म इसी तरह से चलते रहते हैं। मेल्स के अंदर ऐसे अनगिनत स्पर्म होते हैं जो लगातार ऐसे ही मूव करते रहते हैं और नई जिंदगी बनाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, ताकि हम फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा सकें।